क्लास में है हमारा टॉपिक ब्राकियोफोरा। ब्राकियोफोरा दोस्तों ये एक फाइलम है, ओके, जिस फाइलम का एज स्टार्टिंग हो रहा है दोस्तों पालियोजोइक पीरियड पे। पालियोजोइक से ये जो फॉसिल स्टार्ट हो रहा है, अपना लाइफ स्टार्ट कर रहा है, ओके। उसके बाद अभी तक भी बहुत सारे लिविंग फॉसिल मिल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लिंगुला है, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले उसका थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। जो इसका सॉफ्ट पार्ट, जो कि बॉडी का जो मतलब सॉफ्ट कार्ट पार्ट को ये एक एक्सटर्नल सरफेस कवर करके रखता है, ये देख सकते हैं आप, एक्सटर्नल सरफेस है। इसी को हम दोस्तों यहाँ पे सेल बोलते हैं, ओके। अगर आप इग्नो आइडिया पढ़ेंगे देन वहाँ पे क्या लिखा होता है, टेस्ट, लेकिन ब्राकियोपोडा मोलस्का फाइलम में इसको हम बोलते हैं सेल। यहाँ पे क्या होता है कि टू वाल्व होते हैं, ओके, यू विल फाइंड टू वाल्व हियर। एक वाल्व थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा वाल्व थोड़ा छोटा होता है, इसी के लिए इसका नाम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन इक्विवल। ब्राकियोफोर जनरली शोज इन इक्विवल, इन वाल्व, जो कि अनइक्वल इन नेचर है, ओके। बट ये इक्विलेटरल वाल्व होते हैं दोस्तों, इक्विलेटरल वाल्व, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इक्विलेटरल वाल्व, ओके। इन इक्विवल तो समझ चुके हैं कि एक मतलब कि डिसिमिलर वाल्व यहाँ पे मिलता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। बड़े वाले को हम बोलते हैं वेंट्रल वाल्व, ओके, वेंट्रल वाल्व। छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम, डोर्सल वाल्व, डोर्सल वाल्व, ओके। तो इक्विलेटरल वाल्व का मतलब यही है दोस्तों, ये आपका ब्राकियोफोरा है, यहाँ पे आप बीच में से काट सकते हैं, ये एक पूरा सिमिलर दिखेंगे, यहाँ इसको आप बीच में से काट सकते हैं, ये एक मतलब वर्टिकल सेक्शन में काटिए, ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा, ओके, इसको यहाँ से काट सकते हैं, ओके, ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यही है दोस्तों, ये मतलब कि इक्विलेटरल है, बट जो दोनों वाल्व हैं वेंट्रल एंड डोर्सल वाल्व आर इनइक्वल इन नेचर, वन इज स्मॉलर वन इज लार्जर। वेंट्रल वाल्व इज जनरली लार्जर एंड डोर्सल वाल्व इज लिटिल बिट स्मॉलर, ओके। ब्राकियोपोड नाम को अगर हम डिवाइड करेंगे, ब्राकियोपोड नाम इसको हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, ब्राकियो का मीन्स क्या है, पोड़ा का मीन्स क्या है, फुट, ब्राकियो का मीन्स क्या है, लोपोफोर और आर्म, लोपोफोर और आर्म दोस्तों, ओके। तो आपको ये वर्ड का मतलब समझते ही पता लग गया होगा कि ब्राकियोपोडा जनरली क्या है। ब्राकियोपोडा इज जनरली कैरेक्टराइज बाय द फॉसिल हैविंग लोपोफोर और नॉन एज सॉफ्ट पार्ट विथ सम फुट, ओके, जिसके पास फुट होता है और लोपोफोर के साथ कुछ आर्म्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्राकियोफोरा फॉसिल। ब्राकियोफोरा जनरली शोज बायलेटरल सिमेट्री, इट्स पोजेस बायलेटरल सिमेट्री। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इक्विलेटरल वाल्व होते हैं, इसी के लिए दोस्तों ये क्या दिखाता है कि बायलेटरल सिमेट्री, ओके। तो ये छोटा वाला वाल्व यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला वाल्व को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डोर्सल वाल्व, ओके। दूसरा जो बड़ा वाला वाल्व होता है क्या, उसको हम बोलते हैं कि वेंट्रल वाल्व, ओके। वेंट्रल वाल्व में ये बहुत सारे स्मूथ ऑर्नामेंटल ग्रोथ लाइन आपको मिल जाएंगे, ओके। ये दोस्तों दो वाल्व जो होते हैं, वेंट्रल वाल्व और डोर्सल वाल्व, जो वाल्व थोड़ा पोस्टेरियर मार्जिन पे, ये दोस्तों पोस्टेरियर, यहाँ पे मुंह होता है, यहाँ पे मतलब कि पोस्टेरियर होता है, तो पोस्टेरियर मार्जिन में एक पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग, ये देख सकते हैं आप, पॉइंटिंग हुआ था, ये भी देख सकते हैं। तो इसी जो पॉइंट है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं दोस्तों, और ओम्बो भी उसको बोला जाता है, ओम्बो याद रख लीजिएगा। पोस्टेरियर मार्जिन पे जो पॉइंटिंग होता है ब्राकियोपोड में, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बीक और ओम्बो, ओके। पोस्टेरियर मार्जिन में और एक फीचर है कि जिसको हम बोलते हैं हिंज, हिंज का मतलब क्या है, पोस्टेरियर मार्जिन पे ब्राकियोपोडा का टू वाल्व यहाँ पे मीटअप करते हैं दोस्तों, ये ब्राकियोपोडा का, ये पोस्टेरियर मार्जिन, ओके, ये पोस्टेरियर मार्जिन, ये ब्राकियोपोडा का जो वेंट्रल वाल्व का पोस्टेरियर, यहाँ पे दोस्तों ये दोनों मीटअप कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन जनरेट हो रहा है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंज लाइन, ओके। पोस्टेरियर मार्जिन पे हिंज लाइन जनरली शो करता है, और हिंज लाइन जो एरिया को कवर करता है उसको हिंज एरिया बोल के बोला जाता है, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो जनरली ब्राकियोपोड का लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखियो दोस्तों, कैम्ब्रियन से ये स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डोविसियन में उसका बहुत ही अच्छे से डेवलप हो रहा है दोस्तों, ऑर्डोविसियन, ओके। जब परमियन आ रहा है दोस्तों, 90% ऑफ फॉसिल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परमियन ट्राइसिक बाउंड्री था, ओके। परमियन से ये मेसोजोइक में भी बहुत रिकोनेला वगैरह डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्रेटासियस में बहुत सारे फॉसिल एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, ओके। क्रेटासियस में भी बहुत सारे फॉसिल एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, उसके बाद क्या है,
उसके बाद अभी तक रिसेंट तक बहुत सारे करीबन आपको 335 से 350 फॉसिल आपको जनरल लिविंग फॉसिल यहाँ का मिल जाएंगे। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? लिविंग फॉसिल फॉसिल का मतलब अभी तक ब्राकियोपोड फाइलम का बहुत सारे फॉसिल मिल रहे हैं, उनमें से ओनली हमें 335 फॉसिल ओनली हमें दिखते हैं जनरली कॉमनली, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं लिंगुला, ओके। लेकिन अभी तक 30,000 स्पेसिस का फॉसिल हमें डिफरेंट ब्राकियोपोडा का 30,000 स्पेसिस ऑफ फॉसिल हमें मिल चुका है। लेकिन अभी तक लिविंग फॉसिल कितना है दोस्तों? लिविंग फॉसिल ओनली 335 टू 350 के बीच में ही है, ओके। बहुत सारे फॉसिल यहाँ पे भी, बहुत सारे फॉसिल एक्सटेंड कर चुके हैं, परमियन पे भी बहुत सारे फॉसिल का एक्सटेंशन हो चुका है, ओके। ये जनरली दोस्तों मेरिन बेंथिक फॉसिल है, मेरिन बेंथिक सेस्टाइल, ओके, मतलब जमीन के साथ जुड़ा हुआ फॉसिल है। मेराइन मतलब सी फ्लोर के साथ ही लग कर रहता है दोस्तों, ये मेरिन सेस्टाइल फॉसिल बोलते हैं, ओके, सेस्टाइल फॉसिल उसको बोला जाता है। इसका मतलब वही है दोस्तों, आसपास ही, सी फ्लोर के आसपास ही रहता है, इतना लोकोमोशन इसका बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है, ओके। तो कैम्ब्रियन पे तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट था ऑर्डोविसियन में बहुत हाईली ये डेवलप हो गया था दोस्तों, ओके। यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लोपोफोर के बारे में आपको बताया नहीं था। लोपोफोर का मतलब है सॉफ्ट पार्ट किसका दोस्तों? ऑब्वियसली ब्राकियोपोड का सॉफ्ट पार्ट का मतलब यही है दोस्तों, जो लॉन्ग्स, किडनी, हार्ट वगैरह ब्राकियोपोड के अंदर रहते हैं, इसी को हम लोपोफोर बोलते हैं। ये जनरली हम डोर्सल साइड पे देखते हैं दोस्तों, डोर्सल साइड पे ये मिलता है। तो और लोपोफोर का और एक दूसरा नाम है दोस्तों, ब्राचिया। तो डोर्सल साइड को भी हम कभी कभी ब्राचियल भाग बोल के सूचित करते हैं, ब्राकियल वाल्व किसको बोलते हैं दोस्तों? डोर्सल साइड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राकियल वाल्व बोलते हैं, ओके। और वेंट्रल साइड को दोस्तों क्या बोलते हैं? और एक है वेंट्रल साइड में क्या होता है, ये पेडिकल होता है। पेडिकल का मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों, ये अगर वेंट्रल साइड है, हमारा वेंट्रल साइड थोड़ा बड़ा होता है, ये डोर्सल साइड है, तो यहाँ से एक पेडिकल आउटकॉप निकलता है जो कि जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगर फ्लोर है ना, इस पे वो पेडिकल के ऊपर, पेडिकल के सहारे पे ये ब्राकियोपोड खड़ा रहता है दोस्तों, लोकोमोशन भी करता है, ओके। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन छोटा छोटा लोकोमोटिव एक्टिविटी उसका रहता है, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। पेडिकल कहाँ से निकलता है दोस्तों? वेंट्रल वाल्व से पेडिकल निकलता है, वेंट्रल वाल्व। सो इसीलिए इसको हम पेडिकल वाल्व भी बोलते हैं। वेंट्रल वाल्व के साथ क्या होता है? पेडिकल निकलता है, इसीलिए हम कभी कभी वेंट्रल वाल्व को, कभी कभी नहीं, इसका दूसरा ही नाम है पेडिकल वाल्व, ओके। एक क्या वाल्व होता है? ब्राचियल वाल्व। दूसरा नाम क्या होता है? पेडिकल वाल्व, ओके। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका मतलब कि वेंट्रल साइड है, ओके, ये डोर्सल वाल्व है, ओके। तो उसके आगे हम थोड़ा देखते हैं, हाँ, तो क्या बताया था दोस्तों? 335 अभी तक लिविंग फॉसिल मिला है, ओके। लेकिन बहुत सारे फॉसिल 30,000 फ्लोस इसका फॉसिल जो कि एक्सटेंड कर चुके हैं, इनको भी हमारे साइंटिस्ट ने खोज कर चुके हैं, ओके। ये कॉलोनियल फॉसिल नहीं है दोस्तों, जैसे ही कोरल ग्रुप ऑफ फॉसिल हाईली कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ए कॉलोनियल फॉसिल, दिस इज नॉट ए कॉलोनियल स्पेसिस, ओके। सो ये कौन सा एनवायरनमेंट में रहने के लिए पसंद करता है? डेफिनेटली सालों मेराइन एनवायरनमेंट में दोस्तों, सालों मेराइन एनवायरनमेंट 90% स्पेसिस आर, यू कैन फाइंड ऑल दिस वेराइटी ऑफ ब्राकियोपोडा, 90% स्पेसिस सालों मेराइन एनवायरनमेंट में रहने का पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कुछ दूसरे फॉसिल हैं, बहुत ही छोटे मोटे अमाउंट का फॉसिल है जो कि डीप मेराइन में भी रहते हैं, मिलते हैं डीप मेराइन में भी ब्राकियोपोड, ओके। लेकिन जनरली इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कहीं पे भी आपको अगर ब्राकियोपोड को वैरायटी का मिल रहा है तो डाउट करना कि ये सालों मेराइन एनवायरमेंट ही होगा, क्योंकि वहाँ पे उनका इवोल्यूशन रेट बहुत ही अच्छा रहता है, ओके। उनका अडेप्टेशन वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है।
यहाँ पे अभी जो आपको ब्रैकियोपोड मिल रहे हैं ओनली 1% ही आपको लिविंग फॉसिल के हिसाब से मिल रहे हैं, ओनली 335, 350, 360 इतना ही आपको लिविंग फॉसिल के रूप में मिल रहे हैं, लेकिन मतलब कि 99% ऑलरेडी एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। ओके दोस्तों, इसका जो सेल आपको दिखा रहा हूँ ये सेल है कालकारियस सेल, कालकारियस चिटिनियस सेल इसको बोलते हैं, कालकारियस सेल इसको बोला जाता है। ओके कालकारियस सेल तो यही है दोस्तों। इसका और कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक होता है क्या डोर्सल, जिसको आप बोलने लग गए ब्राकियल वाल्व। ओके ब्राचियल वाल्व, ब्राकियल वाल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोर्सल साइड में उसका ब्राचिया और लोफोफर प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसको ब्राकियल वाल्व बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब क्या है दोस्तों, वेंट्रल का मतलब है इसका एब्डोमिनल साइड जहाँ पे पेट मुंह होता है दोस्तों। ओके तो इसको एब्डोमिनल साइड जो कि बड़ा होता है। ओके डोर्सल थोड़ा छोटा होता है, तो जहाँ पे डोर्सल एंड वेंट्रल कनेक्ट होते हैं उसको हम पोस्टेरियर मार्जिन पे, ये दोस्तों पोस्टेरियर मार्जिन, ये दोस्तों उसका एंटीरियर मार्जिन। ओके जहाँ पे उनका ये होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हिंज लाइन, जहाँ पे एंटीरियर और पोस्टेरियर मीट करते हैं पोस्टेरियर साइड पे, सॉरी जहाँ पे डोर्सल एंड वेंट्रल मीट अप करते हैं पोस्टेरियर मार्जिन के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों हिंज लाइन। ओके तो हिंज लाइन, तो एंटीरियर क्या होता है कि सामना वाले पार्ट को हम एंटीरियर बोलते हैं जहाँ पे मुंह होता है। ओके ये देखिए ये उसका पोस्टेरियर साइड है। ओके यहाँ पे ये सामने वाले पार्ट है, इसको हम एंटीरियर लाइन बोलते हैं। ओके ये पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा को हम पोस्टेरियर बोलते हैं, जहाँ मुंह मतलब जहाँ पे माउथ होता है, जहाँ जो ऑपोजिट पार्ट में आपको दिखता है उसी को आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों। एक होता है आर्टिकुलाटा, ओके आर्टिकुलाटा, दूसरा होता है इनआर्टिकुलाटा। आर्टिकुलाटा का मतलब है दी ब्रैकियोपोड हैविंग सम टीथ, टीथ एंड सॉकेट्स, ब्रैकियोपोड ब्रैकियोपोड हैविंग टीथ, बट दी ब्रैकियोपोड हैविंग नॉट हैविंग टीथ, दिस ब्रैकियोपोड आर नॉन एज इनआर्टिकुलाटा, नॉट हैविंग टीथ। ओके तो इसका क्या होता है दोस्तों, इन जैसे इनआर्टिकुलाटा ब्रैकियोपोडा का यू विल गेट एडक्टर मस्कल, इनआर्टिकुलाटा ब्रैकियोपोडा में एडक्टर एंड डिडक्टर मसल रहता है दोस्तों, क्योंकि उनके पास टीथ एंड सॉकेट नहीं होता है। तो जब भी आप एडक्टर और डिडक्टर मस्कल देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ये इनआर्टिकुलाटा ब्रैकियोपोड को इंडिकेट करता है, ब्रैकियोपोड। ओके दोस्तों तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि दी फॉसिल हेयर दी मतलब कि वेंट्रल वाल्व एंड डोर्सल वाल्व कनेक्टेड इन पोस्टेरियर साइड क्या होता है, ये देखिए पोस्टेरियर साइड यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इन पोस्टेरियर साइड वेंट्रल एंड डोर्सल वाल्व कनेक्टेड, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों हिंज एरिया। लेकिन एंटीरियर साइड पे जहाँ पे पोस्टेरियर और एंटीरियर मीटअप करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, कमिश्वर, कमी एस यू आर ई कमिश्वर, इस टोटल लाइन को क्या बोलते हैं कमिश्वर लाइन, कमिश्वर लाइन। ओके हिंज लाइन कहाँ पे बोलते हैं दोस्तों, पोस्टेरियर साइड पे, पोस्टेरियर साइड पे वेंट्रल और डोर्सल का मीटअप पॉइंट पे जो लाइन प्रोड्यूस होता है उसको हिंज लाइन बोलते हैं। और दोस्तों एंटीरियर साइड पे पोस्टेरियर और मतलब कि हाँ एंटीरियर साइड पे वेंट्रल भाव और डोर्सल भाव के मीटअप पॉइंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम कमिश्वर लाइन, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इसका बायलेटरल सिमेट्री हुआ है, ये देखिए दोस्तों बायलेटरल सिमेट्री है। ओके ये इसका पोस्टेरियर साइड है, पोस्टेरियर साइड, ये है इसका एंटीरियर साइड, आप देख सकते हैं एंटीरियर साइड में ये दोस्तों ये वेंट्रल वाल्व जो बड़ा वाला है, वेंट्रल वाल्व सॉरी जो ये तो छोटा वाला ऊपर है। ओके ये देखिए दोस्तों बड़ा वाला वेंट्रल वाल्व है, ये दोस्तों वेंट्रल वाल्व है नीचे वाला। ओके और ऊपर वाला जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको डोर्सल वाल्व, ये देखिए वेंट्रल वाल्व और ऊपर वाला डोर्सल वाल्व, यहाँ से देखिए मीटअप कर रहा है, इसी लाइन से वो दोस्तों मीटअप कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कमिश्वर, कमिश्वर लाइन इसको बोलते हैं जो एरिया इसने कवर किया है। हाँ दोस्तों
ओके तो हम कमिसर लाइन यहाँ पे समझ गए, ये ऊपर वाला है डोर्सल भाग, ओके देन नीचे वाला है वेंट्रल भाग, जो वेंट्रल भाग डोर्सल भाग एंटीरियर साइड पे जो जहाँ पे मीटर होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कमिसर लाइन। और एक दोस्तों चीज़ है यहाँ पे सीलिया, सीलिया सीलिया का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ ब्राकियोफोर्ड में क्या होता है, कुछ ब्राकियोफोर्ड में दोस्तों एक हेयरी उसके सरफेस से कुछ हेयर लाइक ग्रोथ यहाँ पे निकलता है। ओके हेयर ग्रोथ ऑन द स्किन, सिसिला क्या है दोस्तों, हेयर ग्रोथ इन द स्किन। ओके तो कुछ हेयर ग्रोथ लाइक आपने इग्नोइडिया पढ़े होंगे, इग्नोइडिया में क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे स्पाइन रहते हैं लेकिन यहाँ पे स्पाइन नहीं रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा हेयर ग्रोथ लाइक कुछ स्पिन रहते हैं, ये दोस्तों उसका फूड गैदरिंग में और लोकोमोशन एक्टिविटी में ये हेल्प करता है। जो सिलिया होता है फूड गैदरिंग में और लोकोमोशन एक्टिविटी में, मतलब आगे मूवमेंट करने के लिए, इतना ज़्यादा मूवमेंट करता नहीं है ओके लेकिन भी थोड़ा थोड़ा जो मूवमेंट करता है उसी के लिए, और जो मतलब कि हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके सरफेस पे लाइक उसको क्या बोलते हैं सिलिया, वो ही बहुत हेल्प करता है दोस्तों। ओके लोपोफोर में क्या होता है कि उसका स्किन पे बहुत सारे, पहले तो मतलब कि ब्राकियोफोर बहुत ही स्मूथ रहता है लेकिन कुछ छोटा छोटा मतलब कि ऑर्नामेंटल सम ग्रोथ लाइन आपको देखने को मिल जाएगा ब्राकियोपोडा के ऊपरी भाग में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे यहाँ पे ग्रोथ लाइन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही स्मूथ होता है। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेडिकल वाल्व क्या है, वेंट्रल वाल्व को हम पेडिकल बोलते हैं क्योंकि यहाँ से पेडिकल नहीं, ये प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स देखिए इसको हम ओम्बो बोलते हैं ओके, ये पेडिकल ओपनिंग क्योंकि ये देखिए आप वेंट्रल वाल्व है, वेंट्रल वाल्व में पेडिकल लेता है तो ये वाला ऐसे यहाँ से ही दोस्तों उसका पोस्टीरियर मार्जिन से ही दोस्तों उसका पेडिकल निकलता है ओके, प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स को हम बीक बोलते हैं। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा जो कि डोर्सल वाला एरिया है वहाँ पे लोपोफोर रहता है इसीलिए उसको हम ब्राकियल बोलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये ब्राकियल वाल्व है और ये दोस्तों डोस्टर यहाँ पे मीटअप कर रहे हैं इसीलिए उसको हिंज लाइन बोला जाता है ओके, हिंज लाइन। ये वाल्व का दोस्तों एज है, यहाँ पे एक वाल्व का एज खत्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरा वाल्व का, यहाँ पे जो मीटअप कर रहे हैं मीटअप लाइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंज लाइन यहाँ पे बोलते हैं। तो ये क्या सिमेट्री प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ये बायलेटरल, इसको हम अगर आप बीच से काट दे, इसको अगर बीच से काट दे तो एक जैसा दिखेगा दूसरा भी ऐसा ही दिखेगा दोस्तों। ओके इसका एनवायरनमेंट क्या है दोस्तों, मेराइन सेसिल बेंथिक ओके, मोड ऑफ लाइफ ये कैसा है, मेराइन एनिमल है ओके, सोल्टी वाटर में सलाइनिटी वाटर में ये रहता है जनरली, और सी फ्लोर के आसपास ही रहता है, ज़्यादा ऊपर फ्री फ्लोटिंग ये एनिमल नहीं है दोस्तों ओके, सी फ्लोर के आसपास ही ये रहता है ओके। इसका कंपोजिशन क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे चूज कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पे इसका कंपोजिशन CaCO3 है ओके, CaCO3 है ओके। इनआर्टिकुलाटा का कंपोजिशन थोड़ा चिटिनियस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनआर्टिकुलाटा का कंपोजिशन क्या है, थोड़ा चिटिनियस है ओके। रेंज कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, कैम्ब्रियन से स्टार्ट हुआ था दोस्तों रिसेंट ओके। ये मोर डाइवर्स कहाँ पे हुआ था दोस्तों, पालियोजोइक एरा ओके, पालियोजोइक एरा नहीं दोस्तों ऑर्डोविसियन, ये तो एरा है ऑर्डोविसियन पे ये सबसे ज़्यादा मोर इवोल्यूशन हुआ था ओके। फाइलम ब्राकियोफोडा आर्टिकुलाटा ओके, एनिमोलिया किंगडम से ओके, यहाँ पे सब कुछ ये फिगर्स से आपको सब कुछ डाटा मिल जाएगा दोस्तों ओके। तो सिलिया क्या है आपको समझ में आ गया होगा ओके, अभी थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए लोपोफोर जो है, लोपोफोर कहाँ पे रहता है दोस्तों, लोपोफोर कहाँ पे रहता है दोस्तों, ब्राकियल वाल्व में, ब्राकियल वाल्व में क्या लोपोफोर मिलता है ओके। दिस लोपोफोर इज एनक्लोज बाय, दिस लोपोफोर इज एनक्लोज बाय ए सॉफ्ट स्किन ओके, सॉफ्ट स्किन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल, मेंटल ओके। क्या होता है कि लोपोफोर क्या होता है, एक सॉफ्ट स्किन से स्किन में अंदर रहता है ओके, दिस ये सॉफ्ट जो स्किन है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल ओके। ये जो एरिया ऑक्यूपाई करता है ना इसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं ओके, ये तो कुछ ना कुछ तो एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी ओके। फिर से यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ, ये दोस्तों वेंट्रल वाल्व है, ये दोस्तों हमारा डोर्सल वाल्व है, डोर्सल वाल्व में क्या रहता है ये दोस्तों, यहाँ हमारा आपको पता है लोपोफोर यहाँ पे रहता है, लोपोफोर और ब्राकिया भी इसको बोलते हैं। तो लोपोफोर, लोपोफोर क्या होता है कि कवर बाय व्हाट, लोपोफोर इज कवर्ड बाय ए सॉफ्ट स्किन, उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम बोलते हैं कि मेंटल कैविटी, सॉरी सॉफ्ट स्किन को हम मेंटल बोलते हैं। ओके, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है जो कि मेंटल ने ऑक्यूपाई किया है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंटल कैविटी। ओके, यही है दोस्तों मेंटल कैविटी। ओके, और कुछ कुछ जो जो ब्रैकियोपोडा फॉसिल होते हैं उनका ईयर लाइक अपीयरेंस होता है। ओके, ऐसे जैसे कि स्पीरीपर हो गया, उसका ईयर जैसा कुछ निकलता रहता है। कहाँ पे निकलता है दोस्तों? हिंज लाइन पे। ओके, ये जो ईयर लाइक अपीयरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑरिकल। ओके, ऑरिकल, ईयर लाइक अपीयरेंस को हम ऑरिकल बोलते हैं। दी ब्रैकियोपोड फॉसिल हैविंग सम ऑरिकल इज नोन एज व्हाट? एलेट, ALATE। ओके, क्या बोला है यहाँ पे? एलेट क्या है दोस्तों? एलेट वही चीज है, दी ब्रैकियोपोड फॉसिल, दी फॉसिल हैविंग ऑरिकल, ऑरिकल। ओके, दी फॉसिल हैविंग ऑरिकल इज कॉल्ड व्हाट? एलेट। ऑरिकल का मतलब क्या है? ईयर लाइक अपीयरेंस, ईयर लाइक अपीयरेंस है दोस्तों। तो ये फॉसिल में ईयर लाइक कुछ अपीयरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स बोलते हैं। ऑरिकल जिसके पास भी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑरिकल को जिसके पास भी मिलता है, जिस फॉसिल में मिलता है, उसको हम एलेट फॉसिल बोल के नामित किए। ओके, तो ये जनरली हिंज लाइन के पास ही रहता है जो मतलब ईयर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसको हम एलेट बोलते हैं, और सबका नहीं होता है, बहुत ही कम फॉसिल का ये एलेट आपको मिल पाएगा। ओके, तो ये जनरली बहुत ही ऑब्वियसली ये बहुत ही रिजिड होगा, ये जो स्किन है बहुत ही रिजिड, टाइट, हार्ड। बट यहाँ पे बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्नामेंटेशन ऑफ सेल इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ओके, बहुत ही, हाँ, ऑर्नामेंटेशन से उनका बॉडी को बहुत ही सेफ्टी मिल जाता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है वाटर के साथ, वो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो जाता है, इनको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सुविधा होता है। ओके, जो ऑर्नामेंटेशन है दोस्तों, ये थोड़ा दोनों टाइप का ऑर्नामेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, रेडियल टाइप है और एक दूसरा वाला कॉन्सेंट्रिक टाइप है। रेडियल टाइप आपको बताता हूँ, जो रेडियली कवर करता है, और कॉन्सेंट्रिक जो, जिसको ऐसे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे इसको, और रेडियल मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये देख सकते हैं। तो रेडियल टाइप है और है कॉन्सेंट्रिक टाइप। आपको यहाँ पे दो टाइप के आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सरफेस ऑर्नामेंटेशन। तो आपको सब कुछ इसका मॉर्फोलॉजी के बारे में बता दिया। ओके, और एक है क्या है? ब्रैकियल स्केलेटन दोस्तों, ब्रैकियल स्केलेटन। ब्रैकियल स्केलेटन क्या है दोस्तों? बस इतना समझ लीजिए, ये वेंट्रल वाल्व है, ये दोस्तों डोर्सल वाल्व है। ओके, वेंट्रल वाल्व थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वेंट्रल वाल्व यही है दोस्तों, और डोर्सल वाल्व यही है दोस्तों। ओके, आपको पता है डोर्सल वाल्व में क्या रहता है? ब्रैकिया रहता है, ब्रैकिया रहता है। और जब ये फॉसिल हो जाता है तो ब्राकिया रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट होता है ना, पहले रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे एक कैविटी जैसा फॉर्म कर देता है। जब भी ब्राकिया निकल जाएगा तो ये एरिया जो मेंटल कैविटी है, फ्री स्पेस हो जाएगा, तो मेंटल कैविटी में जो फ्री स्पेस होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रेशन रह जाते हैं, उसी इंप्रेशन को द इंप्रेशन फाउंड इन द ब्राकियल वाल्व और मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी इज नोन एज व्हाट? ब्रैकियल स्केलेटन। ओके, हाँ दोस्तों, ये था एक ब्रैकियल स्केलेटन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों आपको पता है, ये है हमारा वेंट्रल वाल्व। वेंट्रल वाल्व में क्या होता है? पेडिकल निकलता है। ओके, पेडिकल कहाँ से निकलता है दोस्तों? डेल्टीडियम से। ओके, डेल्टीडियम को कवर कौन करता है दोस्तों? डेल्टीडियम को कवर करने के लिए एक चीज होता है, उसी का नाम है हमारा डेटलीडियम। ओके, डेल्टीडियम को कौन कवर करता है? ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेटलीडियम। और इसको क्या बोलते हैं? डेल्थीडियम। यहाँ से ही दोस्तों हमारा पेडिकल निकलता है। ओके, तो शायद समझ में आ गया होगा डेल्टीडियम क्या है, डेटलीडियम क्या है। ओके, ऐसे ही वेंट्रल वाल्व, सॉरी ये तो वेंट्रल वाल्व था, ये दोस्तों डोर्सल वाल्व। डोर्सल वाल्व में क्या होता है कि उसी उसके ही अपीयरेंस का एक मतलब कि वहाँ पे ही एक इसके ही अपीयरेंस का, जैसे लोपोफोरस वहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नोटोथेरियम। ओके, नोटोथेरियम। ओके, इसको जो कवर करके रखता है दोस्तों, इसको जो कवर करके रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं?
चिली डियोम बोलते हैं दोस्तों। ओके कभी कभी ये डेल्थीडियोम बहुत ही हाईली ग्रोथ करता है दोस्तों। ओके डेल्थीडियोम क्या करता है दोस्तों, बहुत ही हाईली ग्रो करता है, ग्रो करने के साथ साथ एक फोरामेन ये तैयार करता है। जस्ट फोरामेन कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक डेल्थीडियोम है। ओके ये अभी बहुत छोटा है लेकिन ये इनवर्ड ग्रोथ करेगा, तो इनवर्ड ग्रोथ करेगा तो ऐसे डेवलप होगा ना, ये इस तरफ आ गया, ये इसका लाइन इस तरफ आ गया ये। ओके ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, तो इनका इनवर्ड ग्रोथ के वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये फोरामेन तैयारी हो जाता है। फोरामेन क्या है आपको बता रहा हूँ, फोरामेन यही है दोस्तों आपका ये देखिए पेडिकल यहाँ से निकलता है, ये जो सर्कुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी को ही आप फोरामेन बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे सबसे अच्छा इलुस्ट्रेशन दिया गया है, ये देखिए दोस्तों पोस्टेरियर एंड पे वेंट्रल साइड पे जहाँ से कि पेडिकल निकलता है इसी एरिया को दोस्तों एक सर्कुलर डिफ्लेशन फॉर्मेशन होता है। सर्कुलर डिफ्लेशन क्यों, ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ द डेल्थीडियम, तो इसको हम फोरामेन बोल के बोलते हैं। ये पार्ट देख लीजिए। ओके तो ये फोरामेन रह गया, तो इन आर्टिकुलेटर ब्रैकियोफोर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है जहाँ पे अडक्टर मसल होते हैं, जो अडक्टर होता है। ओके अडक्टर जो होता है दोस्तों, वो दोस्तों मतलब कि ओपनिंग के लिए खोला जाता है, ये दोस्तों अडक्टर है और एक दूसरा क्या है, एक क्लोज करने के लिए रखा गया है उसको दोस्तों, सॉरी डिडक्टर, इस नीचे वाले को डिडक्टर बोलते हैं, डिडक्टर बोलते हैं जो कि हमारा ओपनिंग के लिए यूज होता है। ओके इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अडक्टर मसल। ओके तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज करने के लिए यूज होता है, LOSC क्लोज करने के लिए दोस्तों यूज होता है। और इसका जो पेडिकल होता है, पेडिकल यहाँ से नीचे से निकल जाता है। ओके जो कि जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसको वो पेडिकल वेंट्रल साइड से ही निकलता है। ओके तो ये जमीन के साथ जुड़े रखने में ब्रैकियोपोड को बहुत ही मदद करता है। ओके आपको तो बता दिया ब्रैकियल स्केलेटन क्या है, ऑर्नामेंटेशन क्या है। ओके देन यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन के वजह से ब्रैकियोपोड में जितने भी ऑर्नामेंटेशन हुए हैं, ऑर्नामेंटेशन के वजह से क्या क्या इसमें फ़ायदा मिलता है, वाटर के साथ ये जैसे ही रहता है तो बहुत सारे फ्रिक्शन एक्टिविटी होता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे मिनिमाइज करता है। ओके मिनिमाइज द फ्रिक्शन। ओके उसके बाद इनका जो स्टेबिलिटी है बहुत ही बढ़ जाता है। ओके स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओके ये क्या होता है कि जब भी आपको ऑर्नामेंटेशन जितना ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा मेरीन एनवायरनमेंट में। ओके और क्या रहेगा दोस्तों, ये मतलब कि वाटर प्रेशर को अच्छे से रेजिस्टेंस कर पाएगा, जितना आप वहाँ उसके ऊपर आपका मतलब कि ग्रोथ लाइन्स डेवलप हुए होंगे उसी के वजह से दोस्तों उसका जो मतलब कि वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। ओके वाटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके इंक्रीजेस तो यही था दोस्तों। ओके और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कमिसर के बारे में। कमिसर क्या होता है कि जो एंटीरियर साइड पे, ये सपोज ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। ओके वेंट्रल साइड पे यहाँ पे मीटअप कर रहा है, इसी को हम कमिसर लाइन बोलते हैं। जो जिस कमिसर लाइन उसका स्ट्रेट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ, मतलब कि स्ट्रेट और स्मूथ रहता है तो उसको हाई एनर्जी कंडीशन ये फॉसिल इंडिकेट करता है। ओके हाई एनर्जी ये दोस्तों जनरली ब्रैकियोपोड सालो मेराइन एनवायरनमेंट में रहता है। सालो मेराइन एनवायरनमेंट पे आपको अगर स्ट्रेट कमिसर मिल रहा है तो स्ट्रेट कमिसर इंडिकेट्स हाई एनर्जी एनवायरनमेंट। ओके जैसे कि टाइडल हो गया। ओके जब ये कमिसर, ये वेंट्रल हो गया, ये डोर्सल हो गया। ओके इसमें जो कमिसर है दोस्तों ऐसा फोल्डिंग किया गया, ऐसा फोल्डेड हुआ है, तो ये क्या है मतलब कि इतना लो एनर्जी एनवायरनमेंट। ओके लो एनर्जी एनवायरनमेंट। ओके तो हाई एनर्जी एनवायरनमेंट कैसे स्ट्रेट दिखेगा, अगर कमिसर लाइन स्ट्रेट दिखता है तो हाई एनर्जी, कमिसर लाइन अगर ऐसे ही फोल्डेड दिखता है तो आपको मतलब कि लो एनर्जी एनवायरनमेंट। अगर कमिसर लाइन ऐसे जिगजाग रहे तो आपको उसका मतलब हाई टर्बिडिटी एरिया। ओके हाई टर्बिडिटी एरिया को ये इंडिकेट करता है दोस्तों। ओके तो आप अगर पेडिकल को देख के भी उसका एनवायरनमेंट मतलब कि आप ढूंढ सकते हैं पेडिकल कैसा रहता है दोस्तों। ये फॉसिल है, किसी का पेडिकल बहुत ही नॉर्मल सा, सिंपल सा, छोटा सा, और किसी को जो पेडिकल होता है बहुत ही मोटा सा रहता है, ये मोटा सा ये। ओके ये बहुत ही छोटा सा और थोड़ा लंबा कर देते हैं,
यहाँ पे बहुत यहाँ पे पेडिकल निकला है। ओके ओके, जिसका भी पेडिकल लंबा और छोटा होता है ना, ये लो एनर्जी एनवायरमेंट इंडिकेट करता है दोस्तों, लो एनर्जी। और जिसका थोड़ा बड़ा होता है, जिसका थोड़ा पेडिकल थोड़ा मतलब कि साइज में ठीक रहता है, और मतलब लेंथ में उसका पेडिकल स्मॉल रहता है, थोड़ा छोटा लेंथ होता है, तो ये दोस्तों हाई एनर्जी कंडीशन को इंडिकेट करता है, हाई एनर्जी कंडीशन। देखिए लो एनर्जी क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा पानी आ गया तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी बना नहीं सकता, क्योंकि ये लंबा भी है तो इसी को इजीली कट कर देगा। लेकिन अगर हाई एनर्जी होगा तभी ये तो मोटा भी है और उसका हाइट में भी बहुत ही स्मॉल है, तो डेफिनेटली इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये सब राखी पोड़ा आपको देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका पालियो एनवायरमेंट कैसा था, हाई एनर्जी था या लो एनर्जी। अगर बड़ा और सॉरी छोटा और मोटा होगा, उसका पेडिकल का ठीक होगा और थोड़ा मतलब कि स्मॉलर मतलब लेंथ होगा, तो डेफिनेटली ये हाई एनर्जी को, और थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा थीन होगा तो डेफिनेटली ये लो एनर्जी को इंडिकेट करता है दोस्तों, बहुत ही ओके। उसका सैलिनिटी क्या हो दोस्तों, ये इतना मतलब हाई सैलिनिटी एनवायरनमेंट में ये रह नहीं सकता, थोड़ा सा मतलब कि इंटरमीडिएट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, जितना सैलिनिटी है उसी एनवायरनमेंट के साथ साथ ये जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। ओके, इसको हम स्टेनो हालाइन बोलते हैं, स्टेनो हालाइन। स्टेनो हालाइन का मतलब ये इतना मतलब अगर थोड़ा सा भी सैलिनिटी में फर्क आ गया तो डेफिनेटली ट्रायलोबाइट मर जाते हैं दोस्तों, ट्रायलोबाइट आपको मिलेंगे ही नहीं, तो ये इसीलिए इसको हम स्टेनो हालाइन बोलते हैं। ओके, और इसके बाद हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेडिकल कैसे वेंट्रल से निकला हुआ है, ये पेडिकल है और छोटा वाला है ब्राकियल वाल्व। ओके, इस पेडिकल कहाँ से, वेंट्रल से निकला है हुआ, इसीलिए इसको वेंट्रल वाल्व। ओके, इसको पेडिकल यहाँ पे लगा रहता है। ओके, तो यही है दोस्तों आपका। ओके, बहुत पेडिकल वाल्व यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पेडिकल निकलता है दोस्तों। ओके, इसी को हम फोरामेन बोलते हैं, जहाँ से पेडिकल निकलता है। ओके, और ग्रोथ लाइन आप देख सकते हैं, बहुत सारे ग्रोथ लाइन है। ओके, कोमिसल लाइन जो जहाँ पे एंटीरियर साइड पे आपको कोमिसल लाइन दिख जाएगा। ओके, ब्राकियल वाल्व जो कि छोटा वाला पार्ट है उसी को हम ब्राकियल वाल्व बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ब्राकियोपोड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आपको वही पता है, बोल चुका हूँ। ब्राकियोपोड दो भाग क्या है दोस्तों, आर्टिकुलाटा एंड इनआर्टिकुलाटा। ओके, आर्टिकुलाटा इनआर्टिकुलाटा जस्ट इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे नो डेंटिशन। ये ऑल दी इनआर्टिकुलाटा आर बिलोंग्स टू दी एज कैम्ब्रियन टू रिसेंट। ओके, कैम्ब्रियन टू रिसेंट, लेकिन एक में क्या होता है कि पेडिकल नहीं होता है, एक में पेडिकल प्रेजेंट रहता है। ओके, एक होता है आर्ट्रीमाटा। इन आर्टिकुलाटा दो ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। ओके, आर्ट्रीमाटा और दूसरा है न्योट्रीमाटा। ओके, न्योट्रीमाटा। आर्ट्रीमाटा क्या है, ए फॉर नो पेडिकल। यहाँ पे एक पेडिकल रहता है, बस इतना ही डिफरेंस है दोस्तों, पेडिकल। ओके, तो इन आर्टिकुलाटा डिवाइड टू पार्ट्स, एक आर्ट्रीमाटा, न्योट्रीमाटा। न्योट्रीमाटा में पेडिकल नहीं होता है और यहाँ पे दोस्तों पेडिकल प्रेजेंट रहता है, बस इतना ही दोस्तों। इसका एग्जांपल अगर आप लेंगे तो लिंगुला है, लिंगुला अच्छा एग्जांपल है। डिसिना है, यहाँ पे डिसिना एक अच्छा एग्जांपल है। सबका एज दोस्तों कैम्ब्रियन टू रिसेंट है। ओके, इनआर्टिकुलाटा के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इनआर्टिकुलाटा क्या होता है। इनआर्टिकुलाटा दोस्तों तीन भागों में डिवाइड हुआ है। ओके, पालियोट्रीमाटा, दूसरा है पोट्रीमाटा और तीसरा है दोस्तों टेलोट्रीमाटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेडिकल यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। ये ओल्डर फॉर्म है, पालियो मीन्स ओल्डर, बाकी फॉर ओल्डर। यहाँ पे पेडिकल्स भी रहता है दोस्तों, पेडिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसका एज है दोस्तों लोअर कैम्ब्रियन। ओके, लोअर कैम्ब्रियन। ओके, एज लोअर कैम्ब्रियन है, पेडिकल प्रेजेंट है। और यहाँ पे दोस्तों सेम है लेकिन यहाँ पे पेडिकल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक स्यूडो डेल्टीडियम रहता है दोस्तों। यहाँ पे पेडिकल नहीं निकलता है, एक डेल्टीडियम जैसा अपेयरेंस करने वाला एक चीज़ रहता है, उसको स्यूडो डेल्टीडियम बोलते हैं। ओके, वो भी वेंट्रल वाल्व में। ओके, तो स्यूडो डेल्टीडियम। ओके, इसका एज कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, कैम्ब्रियन टू
दोस्तों क्रेटासियस थैंक यू, क्रेटासियस केटी बाउंड्री में ये एक्सटेंड कर गया था। ओके टेलोटीमाटा क्या है दोस्तों, मतलब ये हाईली मॉडिफाइड है, ये मॉडर्न जैसा ही, इसके जैसा दोस्तों पेडिकल दिखाता नहीं, ये थोड़ा मॉडर्न पेडिकल दिखाता है। ओके मॉडिफाइड पेडिकल है दोस्तों यहाँ पे, मतलब आपको ये जो फॉसिल है सिलूरियन टू फर्मियन तक ही मिला था, सिलूरियन टू फर्मियन तक आपको ये फॉसिल यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों आपको। ओके तो पालियोट्रीमाटा, पोट्रीमाटा और टेलोट्रीमाटा, टेलोट्रीमाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मॉडर्न है दोस्तों। यहाँ पे जो पेडिकल होता है थोड़ा मॉडिफाइड है, पालियोट्रीमाटा में डिफरेंस इतना है ये ओल्ड पेडिकल। ओके पालियोट्रीमाटा, ओके यहाँ पे थोड़ा ओल्ड पेडिकल रहता है दोस्तों, ओल्ड पेडिकल। टेलोट्रीमाटा में क्या रहता है दोस्तों, मतलब कि मॉडर्न पेडिकल। ओके टेलोट्रीमाटा में क्या रहता है, मॉडर्न पेडिकल रहता है, मॉडर्न पेडिकल। ये दोस्तों एक्सटेंड हो गया था क्योंकि ये जनरली सिलूरियन ऑर्डोविसियन के बाद ही ये इवॉल्व हुआ था। ओके इसी, और ये दोस्तों लोअर कैम्ब्रियन पे स्टार्ट हुआ था। ओके और ये दोस्तों एक्सटेंड हो चुका है जो कि सिलूरियन, टेलोट्रीमाटा स्टार्टिंग इन सिलूरियन, बहुत ही इवॉल्व होकर ये बना बन चुका था। ओके सिलूरियन पे स्टार्ट हुआ था, परमियन पे एंड हो गया था, पीटी बाउंड्री पे बहुत सारे जियोटेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ था, तो इसी के लिए पीटी बाउंड्री पे दोस्तों ये एक्सटेंड हो गया था। तीनों वैरायटी बता दिया। ओके एक वैरायटी आपको पोट्रीमाटा, इसको बारे में क्या बताऊँ, इसके पेडिकल नहीं होता, एक सीडो रेल्टीडियम रहता है। ओके डीएम रहता है दोस्तों इसका। ओके स्यूडो एलटीडीएम रहता है और इसका भी एज दोस्तों मतलब कि लोअर कैम्ब्रियन है ये, लोअर कैम्ब्रियन। ओके इसका एज तो आपको बता चुका हूँ, परमियन में एक्सटेंड कर चुका था। ओके इसका एज दोस्तों कैम्ब्रियन टू क्रेटासियस, बस इतना था ही था। उसके बाद थोड़ा जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है दोस्तों। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये मेराइन सेसाइल फॉर्म है, आपको पता है लोअर कैम्ब्रियन से स्टार्ट हुआ था। ओके और इसमें बाकी इतना कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही मतलब कि लो मेराइन, मतलब कि सालो एनवायरमेंट में ये जनरली जिंदा रहता है और बहुत कम फॉसिल होते हैं जो कि डीप मेराइन एनवायरमेंट में रहते हैं। 95% फॉसिल बिलोंग्स टू सालो मेराइन एनवायरमेंट ही। ओके तो इससे देख के हमको डायरेक्टली मतलब कि पालियो एनवायरमेंट हिस्ट्री को पता कर सकते हैं कि सालो एनवायरमेंट और हाई एनर्जी, अगर कमिसर देखेंगे स्ट्रेट है तो डेफिनेटली ये हाई एनर्जी को इंडिकेट करता है। ओके अगर कमिसर जिगजैग देखेंगे तो टर्बिडिटी एनवायरमेंट को ये इंडिकेट करता है, ऐसा है दोस्तों। ओके तो थोड़ा इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, प्रोडक्टस ओथिस, ओके स्पिरिफर, इसका दोस्तों ईयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ओके अट्रीपा, रिंकोनेला, टेरेब्राटुलिना, ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। प्रोडक्टोस का एज अगर आप याद रखेंगे तो कार्बोनिफेरस टू परमियन। ओके स्पिरिफर का एज है दोस्तों सिलूरियन टू परमियन, क्योंकि परमियन में 90% फॉसिल एक्सटेंड कर चुके थे। अट्रीफा का एज दोस्तों है ऑर्डोविसियन, बहुत सारे हैं, मैं दोस्त इंपॉर्टेंट दो चार बोल रहा हूँ, ऑर्डोविसियन टू डिवोनियन। ओके रिंकोनेला सब बहुत ही फेमस है दोस्तों, जुरासिक। तो अभी आपका काम है ये टॉपिक को, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक को आप अमलदास गुप्ता से थोड़ा पढ़ लीजिए, जितना भी और भी एग्जांपल अगर रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, लेकिन इतना ही था उसका बेसिक पार्ट। डेफिनेटली आप इसको रिवीजन करेंगे उसी बुक से।